नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन है। लोगों का जैसे कि सवाल रहता है, जो नए नए उम्र के जो गर्ल्स एंड बॉयज़ रहते हैं, उनका सवाल रहता है कि मैडम जी मेरा विवाह कब होगा, एक एक्चुअल वीडियो बना करके आप बताइए जिससे कि मैं पहचान सकूँ कि मेरी शादी कब होगी। ठीक है, तो चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जीवन रेखा होती है, सॉरी मैं बताना चाहूँगी फिर से, ये हमारी जीवन रेखा होती है और ये हमारी जो है मस्तिष्क रेखा होती है और ये हमारी हार्ट लाइन होती है। अब यहाँ पर विवाह रेखा जो होती है, विवाह रेखा यहाँ पर ये बनी हुई होती है। विवाह रेखा कभी कभी दो भी विवाह रेखा देखी जाती है। विवाह रेखा का टॉपिक पे जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, बताना चाहूँगी, जैसे कि ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर अगर किसी की दो विवाह रेखा हैं, ठीक है, अगर जिसकी भी डार्क विवाह रेखा होनी चाहिए, यहाँ पर जो विवाह रेखा है, शादी की जो रेखा है, वो डार्क होनी चाहिए और बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जातकों की वही जो डार्क रेखा होगी, वही जो है विवाह रेखा मानी जाती है। अब विवाह रेखा कब होगी, कैसे पहचाने कि विवाह रेखा कब होगी, हमारी जो शादी है विवाह की वो कब होगी, विवाह रेखा से कैसे पहचाने कि विवाह कब होगा, ये हमारी हार्ट लाइन है। ठीक है, ये हृदय रेखा होती है। हृदय रेखा के पास, जितनी जो हृदय रेखा के पास अगर विवाह रेखा अगर पास में है, यहाँ पर इतनी पास में है, और फिर से मैं ड्रॉ करके बताना चाहूँगी, जैसे ये यहाँ पर ये जो विवाह रेखा शादी की रेखा है, ये बिल्कुल हार्ट लाइन के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल नीचे से गई है। तो ऐसे लोगों का जो विवाह है, शादी है, बहुत जल्दी हो जाती है। 16 साल की उम्र में, 14 साल की, 15 साल की उम्र में शादी हो जाती है, जितना हृदय रेखा के पास होती है विवाह रेखा। तो ठीक है, अगर यहाँ पर जो है विवाह रेखा अगर ऊपर है, यहाँ पर अगर विवाह रेखा यहीं पर मान लीजिए अगर यहाँ पर है हार्ट लाइन से बिल्कुल बीचों बीच में, तो ऐसे लोगों का 28 से 30 साल की उम्र में शादी होती है। और जैसे कि भारत में बहुत ज़्यादा लोगों के हाथों में जैसे कि देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 30 साल से ऊपर यहाँ पर अगर रेखा होती है, तो मान के चलिए कि 30 साल से ऊपर शादी होगी, 35-36 में जातक की शादी होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक रेशियो बता देना चाहूँगी आप लोगों को। ये पूरा हार्ट लाइन से एक पूरा रेशियो होता है, यहाँ से लेकर के बीच में, यहाँ पर ये बीच में जो लाइन मैंने खींची, समझ लीजिए 30 साल का आंकड़ा है बीच में। ठीक है, तो ये 30 साल के जातकों के लिए शो करती है बीच में। और 30 साल के अगर ऊपर है, आपको स्केल से नापना पड़ेगा, अपनी हथेली में देखना पड़ेगा कि आपकी विवाह रेखा कहाँ पर बनी हुई है, ऊपर बनी हुई या नीचे बनी हुई है। अधिक जानकारी के लिए अगर जो लोग भी अपने हाथ का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, क्योंकि हथेली आप लोग अपनी खुद एनालिसिस करते हैं, तो उसे बहुत सारी जो है हथेली में बहुत सारे चिन्ह वगैरह भी देखना पड़ता है, हथेली की पोजीशन कैसी है, रंग कैसा है हथेली का, आकार वगैरह कैसा, सब कुछ देखना सुनना पड़ता है। ठीक है, तो जो लोग भी हथेली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है और पेटीएम नंबर है, आप लोग देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट नंबर दिया गया है यहाँ पर, ये अपॉइंटमेंट नंबर दिया गया है, जैसे कि स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे, ये अपॉइंटमेंट नंबर है। अपॉइंटमेंट लेकर के आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर भी यही है, यही अपॉइंटमेंट नंबर ही व्हाट्सअप नंबर भी है। आप लोग हथेली का दोनों फ़ोटो वगैरह भेज सकते हैं, और जो अपॉइंटमेंट फ़ीस है मेरी देखने की, वो 500 है। फ़ीस आप लोग पेटीएम कर सकते हो, फ़ीस अपॉइंटमेंट फ़ीस यहाँ पर लिखी हुई है, 500 मेरी फ़ीस है। जो लोग भी कुंडली और हाथ दिखाना चाहते हैं, तो इस नंबर पे संपर्क करें। नमस्कार, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सके कि उनका विवाह कब होगा। मोस्टली मान के चलिए अधिक से ज़्यादा जो भारत में अधिक से ज़्यादा जो देखने को मिलती है, यहाँ पर ये जो लाइन है जैसे कि मैंने ड्रॉ करके तुम लोगों को बताया था, यहाँ पर अधिक से ज़्यादा जातकों की यहाँ पर ये जो विवाह रेखा होती है यहीं पर देखने को मिलती है। अधिक से ज़्यादा जो है भारत में 21 से लेकर के 25 साल के अंदर अंदर अधिक से ज़्यादा जातकों की लड़की हो या लड़का हो, उसकी शादी कर देते हैं, और शादी के लिए जो है रेखा भी यहीं पर ही मिलती है। अधिक से ज़्यादा मैं ड्रॉ करके मैं बताना चाहूँगी, हार्ट लाइन से बिल्कुल नीचे होती है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये लास्ट में नीचे जो लाइन खींची विवाह की लास्ट वाली, तो अधिक से ज़्यादा जो लाइनें होती वो नीचे ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, नमस्कार, राधे राधे।